की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किसमें चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू का कितना होगा सर? देखिए, हमने बताया कि 70 सीटों पर हम लोगों ने पहले सहमति बनाई है और चूंकि ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी कुछ लोग हैं जिनको अभी यहां पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहां कहां चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे। तब तो जिज्ञासा बनी रह गई। जिज्ञासा नहीं चाहिए आपको? जिज्ञासा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 वाले तो देखिए 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि किसके पास कितनी सीटें होंगी ये संख्या अभी नहीं बताई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार ये कहते नजर आए कि 70 सीटों पर हम और कांग्रेस चुनावी मैदान में होंगे। 11 जो शेष सीटें हैं वहां पर आरजेडी और जो माले है उनके प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। 70 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि बाकी सीटों पर गठबंधन के दूसरे साथी चुनाव लड़ेंगे। अब ये दूसरे साथी कौन है तो वो भी जान लीजिए। आरजेडी जो कि पहले भी उनके साथ थी, अब आरजेडी के साथ एक और सहयोगी इस बार इस इंडी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, जिसका जिक्र हेमंत सोरेन ने भी किया कि इंडी अलायंस की सीट की संख्या क्या होगी इसके लिए सभी सहयोगियों का साथ होना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन 70 सीटें जो होंगी उन 70 सीटों में जेएमएम और कांग्रेस के 20 सीटों का बंटवारा होगा। संख्या कितनी होगी थोड़ा और इंतजार, लेकिन शेष 11 सीटों में आरजेडी और फिर उनके साथ माले की पार्टी जो है वो नजर आएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आया और कहा कि सहमति हमारी बनी है। सहमति किससे बनी है? तो जेएमएम और कांग्रेस से, और जाहिर सी बात है कि बड़ी भूमिका इन्हीं दोनों की है। तो इन सबके बीच जो सहमति बनी है वो 70 सीटों को लेकर के बन चुकी है कि 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि जेएमएम कितनी लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी ये साफ हेमंत सोरेन ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब 11 सीटें बाकी घटक दलों के लिए छोड़ा गया है। आरजेडी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है और एक बयान भी सामने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव का आता है कि 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब 11 सीटें हैं जब बची है तो आप 22 सीटों पर कहां से लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी आज रांची पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में एक जो इंडिया अलायंस की बैठक है वो भी अभी होनी बाकी है। लेकिन इन दो पार्टियों में एक जो आपसी सहमति है 70 सीटों को लेकर के वो बन गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीपीआईएमएल और आरजेडी इस
बात को स्वीकार करता है। दिवाकर तिवारी जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, कांग्रेस जेएमएम ने तो कर लिया कि भाई हम 70 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो घटक दल हैं उनके लिए क्या बचा है? 11 सीटें, किस तरीके का फॉर्मूला नजर आता है? देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम ने 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहीं कांग्रेस ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो दोनों का आंकड़ा अगर मिला दिया जाए तो ये सीटें 70 से ज्यादा होती हैं। तो अब ये देखना होगा कि जेएमएम जो दावेदारी कर रही है 43 से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को के खाते में 25 सीटें जा रही हैं। अब 11 सीटें जो छोड़ी गई हैं अन्य सहयोगियों के लिए, उसमें आरजेडी और सीपीआई माले के उम्मीदवारों को एडजस्ट करना है। तो आरजेडी ने पिछली बार 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस बार जो है जेएमएम और कांग्रेस चाहते हैं कि आरजेडी 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से अगर सीपीआई माले की बात करें तो कुछ सीटों पर जेएमएम ने पिछले चुनाव में माले को समर्थन दिया था, तो इस बार जो है माले ने कम से कम 4 सीटों पर दावेदारी की है। वो जो 4 सीटें हैं वो बगोदर की सीट है, एक निसा की सीट है, एक सिंदरी की सीट है और एक धनवार की सीट है। तो ये 4 सीटों पर उम्मीदवार भी पहले से तय हैं। आनंद महतो लड़ेंगे, विनोद कुमार सिंह लड़ेंगे और राजकुमार जो है यादव वो धनवार से लड़ेंगे और अरूप चटर्जी लड़ेंगे। तो अरूप चटर्जी निरसा सीट से लड़ने जा रहे हैं, आनंद महतो सिंदरी सीट से लड़ने जा रहे हैं, विनोद कुमार सिंह जो है बगोदर सीट से लड़ने जा रहे हैं और राज धनवार से राजकुमार यादव लड़ने जा रहे हैं। तो 4 तो बिल्कुल पक्के हैं। तो 4 सीट पर अगर सीपीआई माले अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो इसका मतलब 7 सीटें जो है आरजेडी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हेमंत सोरेन ने हालांकि साफ नहीं किया है कि कौन कौन से दल किन कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। वो उन्होंने एक मोटा मोटी आंकड़ा बता दिया है कि 70 सीटों में जेएमएम और कांग्रेस जो है साझेदार होंगे। अब उसमें अगर 45 सीटें जो है जेएमएम लड़ती है तो 25 सीटें कांग्रेस लड़ती है, तो कांग्रेस को यहाँ एडजस्ट करना पड़ सकता है। जेएमएम ने तो अपने तेवर दिखाए हैं कि उन्होंने बाहर से भी 2 उम्मीदवार लाए हैं, उमाकांत रजक और जो है केदार हाजरा को, तो 2 सीटें उसमें उन्होंने एडिशनल मांगे हैं। पिछली बार 43 सीटों पर लड़े थे। तो मोटा मोटी जो आंकड़ा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 43 से 45 सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार खड़े करेगी और अगर कहीं कोई एडजस्टमेंट होता है उनके साथ कांग्रेस से तो कांग्रेस 25 से 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और दूसरी तरफ जो है 5 से 7 सीटें जो है एक तरफ आरजेडी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 4 सीटें सीपीआई माले। बिल्कुल दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि हम जब सीटों की संख्या की बात सामने नहीं आ रही थी तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि जेएमएम जो है वो पिछली बार जिस तरीके से सीटों की संख्या के साथ सामने आई थी, इस बार वो संख्या बढ़ने की बात हो रही है, तो क्या कॉम्प्रोमाइज यहां पर कांग्रेस को करना होगा? उनकी सीटों की संख्या कम होगी। अब 70 सीटों की बात सामने आ गई है कि 70 सीटों में ही जेएमएम और कांग्रेस है, किसके पास कितनी सीटें जा सकती हैं? लेकिन अब फॉर्मूला जो है इसे अब समझने की जरूरत है कि चूंकि अभी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये सिर्फ आपको यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन थे और यहाँ पर गुलाम अहमद मीर थे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, और इसके अलावा जो जेएमएम को जो नेता विधायक वो थे, मतलब कि इसमें ना कोई राजद के नेता थे ना कोई लेफ्ट का कोई था। हालांकि सीएम ने जिक्र जरूर किया कि लेफ्ट हमारा नया साथी है। 70 सीटों का जिक्र किया सुबह, जो हमने लगातार हमने कांग्रेस नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा पिछली बार हम 31 सीटों पर लड़े थे, वो कम से कम हमारी 31 सीटें तो होंगी। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि 70 सीटें जो बंटवारा होगा, 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, बाकी जो बस्ती है 11 सीटें वो आपको गठबंधन में 2 दलों को जाएगी जो कि राजद और लेफ्ट होंगे। तो ऐसे में समझ जाइए कि ये सीटें सीधे रूप से कांग्रेस की कम होने जा रही है, क्योंकि आप जान लीजिए कि कभी भी पिछली बार जो 41 सीटें थी जेएमएम की, वो सीटें अब बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, और कांग्रेस की जो 31 सीटें थी वो सीटें, जैसा हमारे सहयोगी ने आपको ब्यूरो चीफ ने बताया कि वो सीटें आपकी जो तकरीबन 25 से 27 सीटें जो कांग्रेस की है, वो सीटें अब 3 से 4 सीटें कांग्रेस के हिस्से के ही कमेंगी। क्योंकि इस बार जो जेएमएम की ओर से दावा है कि जो चुनाव में जो माहौल है, जो सीएम हेमंत सोरेन का जो चेहरा जो 2024 के चुनाव में रखा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जेएमएम ये मानकर चल रहा है कि हमारा वो चेहरा इतना बड़ा है कि हम उस चेहरे और उस दल को कभी भी कम सीटों पर आंक नहीं सकते और उनके दावे को खारिज नहीं कर सकते। मैसेज साफ है कि कटौती का जो एक संदेश है या कॉम्प्रोमाइज है वो आपको कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। संजय, ये भी कि तब ऐसी परिस्थिति में आरजेडी पिछली बार
2007 तो इस बार भी कमोबेश 5 से 7 सीटें ही आरजेडी के पास जाती हुई दिखती हैं, क्योंकि 4 सीटों पर लेफ्ट की दावेदारी थी और उन सीटों की चर्चा खुद दिवाकर भी कर रहे थे कि ये सीटें तो ये कंफर्म मानी जा रही है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा घोषणा का औपचारिक तौर पर, लेकिन 4 सीटों पर जहां पर लेफ्ट की दावेदारी है वो उन्हें मिलने जा रही है। तो ऐसे में 7 की संख्या हो जाती है आरजेडी के पास, यानी कि अगर कहीं किसी को कुछ छोड़ना है या नुकसान है या कॉम्प्रोमाइज है तो सिर्फ कांग्रेस के पास। देखिए सत्तर, ये एक तो देखिए दो खाई में बांट दिया गया, 70 में दो पार्टी हैं, 11 में दो पार्टी हैं, 70 में दो बड़े दल हैं, क्षेत्रीय सबसे बड़ा दल जेएमएम और बाकी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी। तो साफ है कि अगर कांग्रेस पिछले बार की तरह 41 लड़ती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज जेएमएम को करना पड़ेगा पिछले बार की तुलना में, जो कि जेएमएम इस बार नहीं करने जा रहा है। और यहां पर जो बाकी 11 सीटों में रह गई कि कहा जा रहा है कि 12 सीटों का दावा जो बिल्कुल संचय तो 70 में आप कह रहे हैं कि जो खाई है वो पाट दी गई कि 70 में जेएमएम और कांग्रेस लड़ने जा रही, बाकी जो 11 सीटें हैं वो 7-4 का फॉर्मूला मोटा मोटी अभी समझ में आता है। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है और बाकी जो दल हैं वो भी एक साथ जुट रहे हैं और एक दौर की बैठक चलनी है। तो चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगे।